हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम क्लासेस के बारे में। आज हम देखेंगे कि हम कलर्स को कैसे यूज करते हैं और हम कोड क्या होता है, RGB क्या होता है, किस तरीके से हम उसको ले सकते हैं कोड्स को कहाँ से, और कैसे हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक या यूज कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर में, आपने यू कर सकते हैं कोड के अंदर में, अपने वेबसाइट के अंदर में। चलिए तो सबसे पहले मैं अपना कोडिंग खोलता हूँ। आप देखिए नीट एंड क्लीन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिर्फ टाइटल के सिवा। तो यदि मैं इसको ब्राउजर में खोलूँ तो अगेन टाइटल यहाँ पे टाइटल के और कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ओके तो आज हम कोडिंग शुरू करेंगे कलर्स का। पहले सबसे पहले हम करते हैं काम कि मैं एक डिप बनाते हैं और इसका हम एक आईडी देते हैं। आईडी देता हूँ मैं, मान लो आप div1। ओके इसको मैं क्लोज करता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग के साथ, और साथ में इसको हम कॉपी करके हम इसमें तीन बार मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तीन बार पेस्ट करने के बाद में नाम चेंज करते हैं div1, div2 और div3। अब हम इसका CSS बनाना है हमें, जिससे कि वेबसाइट पे दिखाई दे, और हम हेड के अंदर नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तक हम हेड के अंदर लिखते आ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि CSS बहुत लंबी हो जाती है तो फाइल को हमें कुछ खोजने में बड़ी दिक्कत आती है। कई हज़ार पेज, मतलब कई हज़ार लाइन की हो गई तो उस कंडीशन में कितना देर आप खोजेंगे। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर CSS की हम कोडिंग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैं फाइल में गया, न्यू किया, यहाँ पे एक न्यू फाइल खुल के आ गई। तो इस फाइल को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। इस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो सेव करते समय नाम पूछेगा, तो नाम पूछते समय सबसे पहले हम जाते हैं अपने HTML के फोल्डर पे। ये इस फाइल को यहाँ पे हम इसको यूज कर पा रहे हैं। तो मैंने इसके अंदर एक CSS नाम से फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर जाऊँ तो अब देखिए पूरी तरह से खाली है। इसके अंदर हम इस फाइल का नाम देते हैं, मैं लिखता हूँ स्टाइल। ध्यान दीजिए आप नाम कुछ भी ABCD रख सकते हैं। मैं स्टाइल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसलिए स्टाइल डॉट CSS। आप ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पार्ट है कि डॉट के बाद ये CSS ही आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जिस तरह से .html हम लिखते हैं वेबसाइट या HTML की फाइल का नाम, ठीक इसी प्रकार से जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो स्टाइल सेट की फाइल का नाम रखते हैं .css, क्योंकि यही पहचान होती है कि यह एक स्टाइल सेट की फाइल है या CSS की फाइल है। ओके मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कोडिंग। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया कि जब आप आईडी यूज करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश से, और यदि हम वहाँ पे क्लास दी हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो हम यहाँ पर देते हैं हैश। हैश हम साथ में किया div1 के हम यहाँ पर कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग में क्या लिखेंगे? जो div1 की सबसे पहले जो विड्थ है, ओके विड्थ हम देते हैं 300 पिक्सल। इसके बाद में हम इसका देते हैं हाइट, कि जो इसका हाइट होगा ये हम देते हैं मान लो आप 200 पिक्सल। साथ में हम इसका यहाँ पर देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर यदि हम एक बार दे देंगे तो देखने में इजी रहेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर में कुछ आज नाम मैं अटपटा यूज करने वाला हूँ आप लोग के सामने, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल कोड्स का देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक कलर है फायर ब्रिक। आप ध्यान दीजिएगा नाम कुछ भी ABCD अपने हिसाब से आप दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक सब कलर का नाम है। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फायर ब्रिक का यूज किया। फायर ब्रिक मैंने इसको क्या किया कि इसको सेव किया, साथ में इसको कॉपी करके मैं दो बार और रिपीट मारता हूँ। रिपीट क्यों मारता हूँ? जिससे कि एक ईजी हो जाए सारी CSS लिखने के लिए। दो और ये तीन डिप बनाया था मैंने, तीन यहाँ कॉपी कर लिया मैंने। ये बोला div2, इसको मैंने बोला कि आप हो div3। ओके सब कुछ सेम छोड़ते हैं, सिर्फ कलर को मैं चेंज करता हूँ। मैं करता हूँ कि स्लेट ब्लू, एक कलर स्लेट ब्लू उसको कर देता हूँ। एक कलर इसको करता हूँ स्काई ब्लू कर देता हूँ, और कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। आते हैं जरा देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फाइल के ऊपर। ब्राउजर में आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फाइल में ये CSS तो लिखी, लेकिन हमने ये जो मेन फाइल है इंडेक्स जिसको हम रन कराने, इसके अंदर कहीं भी इसका जिक्र या कोई भी अटैचमेंट नहीं है। जिसको हम इसमें अटैच करने के लिए उस CSS फाइल को हम एक टैग यूज करते हैं, उस टैग का नाम ही है लिंक, क्योंकि लिंक करें तो लिंक नाम ही है। तो लिंक के बाद में हमें इसका सोर्स देना होता है, तो हाइफर रेफरेंस HRF कहाँ पर फाइल है। मैंने कहा कि फोल्डर है CSS नाम की, जहाँ पर तुम फाइल उसके अंदर, इसके अंदर में स्टाइल डॉट CSS नाम की वो फाइल है वो ले लो, और साथ में इसका एक रिलेशन बनाना होता है। तो हम एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन में देख रहे हैं कई सारे टाइप है, ऑथर हेल्प आइकन लाइसेंस, कल मैं एक जैसे आपको आइकन के बारे में बताऊंगा। तो रिलेशन में हमने यहाँ पे क्या दिया कि स्टाइल सीट, क्योंकि मैंने CSS एक स्टाइल सीट ही बना रहे हैं इस HTML फाइल के लिए, इसलिए
साथ में यहाँ पे हमें एक टाइप देना होता है कि किस टाइप की फाइल है, तो क्योंकि हमने स्टाइल सेट पहले दे रखा था तो टेक्स्ट डॉट सी एस एस ले लिया। इसको हम क्लोज करते हैं, इसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आइए इसको हम कंट्रोल एस मैंने रिफ्रेश किया, आप चल के वहाँ ब्राउजर में देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैंने तीन यहाँ पे डिव लिया, तीनों डिव वन बाई वन आ गया, तीनों को मैंने कलर डाला था। लाइक जैसे मैंने इसका डाला था फैब्रिक, इसका मतलब स्लेट ब्लू और ये था स्काई ब्लू, और तीनों का तीन कलर यहाँ पे आ रहा है। चलिए एक चीज़ मैं और चेंजिंग करने जा रहा हूँ, इसी तीनों डिव को हम अगेन मैं नीचे रिपीट मारता हूँ। ओके, ये मैं रिपीट मारा और मैंने यहाँ पे इसका नाम अब चेंज कर दिया, इस बार इसको मैंने दे दिया यहाँ पे फोर, ठीक है, यहाँ दिया फाइव और यहाँ मैंने दे दिया सिक्स। कंट्रोल से सेव इसको किया और स्टाइल में आकर हम इनका भी एक कोडिंग लिख लेते हैं। तो मैं इन तीनों को कॉपी करता हूँ फिर से अगेन, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ मैंने कोडिंग शुरू की, ये हो गया चार, ठीक है, ये हो गया पाँच, आई एम सो सॉरी, ये हो गया पाँच और ये हो गया आपका सिक्स। हाँ, यहाँ पे मैं एक चेंजिंग करता हूँ कि यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि साथ में मैं यहाँ लगाता हूँ फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट से लग रहा हूँ कि वन बाई वन एक साइड में सब इकट्ठा हो जाए, जिससे मैं देखने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ लिखा फ्लोट लेफ्ट और अगेन मैंने यहाँ दिया फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट से वन बाई वन एक ही लाइन में तो आ जाए, देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज ब्राउजर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मैं एक चेंजिंग में और करूँ, फैब्रिक मैंने यहाँ नाम दिया था, इस नाम का मैं यहाँ पे कोड यूज करता हूँ, और जो हम कोड में लिखते हैं जिसको हेक्सा कोड बोलते हैं, तो पहले हम हैश लिखते हैं उसके बाद हम शुरू करते हैं। मैंने लिखा बी, इसका डबल टू डबल टू डबल टू इसका कोड है। ठीक है, जो स्लेट ब्लू है इसको अगेन हम लिखते हैं हैश, और हैश के बाद हम इसको देते हैं सिक्स ए, सिक्स ए, फाइव ए, ठीक है, फाइव ए और सी डी, ये इसका कोड है। और स्काई ब्लू का हम करते हैं अगेन हैश, हैश दर में 87 सी ई ई और बी, ये इसका कोड हम कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अभी दिमाग आप मत लगाइए कोड कहाँ से आ रहा है, मैंने सेव किया, कंट्रोल आर से मैं रिफ्रेश मारा। ओके, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर वाला तो नहीं आया, ये देखिए ये कलर कलर सेम है। देखो मैंने यहाँ पे नाम दिया था और यहाँ मैंने क्या लिखा था उसका कोड, ये देखिए ये जो कलर है ना स्काई ब्लू, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। जबकि यदि कोडिंग में आके देखें तो स्काई ब्लू का यहाँ पे मैंने नाम दिया था स्काई ब्लू और यहाँ मैंने क्या दिया है कोड दिया है, लेकिन फिर भी लिया, फिर भी क्यों लिया है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि हेक्सा कोड हमेशा सिक्स डिजिट का ही होता है। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देखिए ये सेम कलर यहाँ पे आ गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट होने की वजह से वन बाय वन वो एक तरफ आ गया सारे बॉक्सेस या सारे डिब्बे आप कह सकते हैं, और आप देखेंगे कि तो सारे वही कलर रिपीट हैं, बस अंतर क्या है कि पहली बार कोडिंग में मैंने नाम लिखा था और यहाँ मैंने कोड दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हेक्सा कोड। आइए देखते हैं एक बार फिर से कोडिंग को, आप देखो पहले वाले तीनों में नाम दिया हुआ है और सेम कलर नीचे भी है, लेकिन नीचे पे एक कोड दिया हुआ है। हेक्सा कोड बेसिकली हैश से शुरू होता है और उसके बाद में सिक्स डिजिट में होता है, और कुछ लोग इसको तीन डिजिट में भी लिखते हैं, बट ब्राउजर ऑटोमेटिक उसको सिक्स मान लेता है, सिक्स कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं ये हम कोड कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसके लिए अगेन हम ब्राउजर खोलते हैं, ब्राउजर में मेरा फेवरेट, वैसे तो बहुत सारे कोड्स होते हैं बट मेरा जो फेवरेट है मैं यूज़ करूँ एडोब को। इसमें एडोब का एक वेबसाइट है कलर डॉट ओके एडोब डॉट कॉम, यदि हम इसको खोलते हैं, क्योंकि एडोब का है तो इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन, कई सारे मिक्सिंग, कई सारे थीम्स मिल जाते हैं जो पर्सनली मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना थीम, अपना कलर थीम आप क्रिएट कर सकते हैं, शायद इसलिए शायद मुझे ज़्यादा पसंद आता है। चलिए जैसा जैसा आपने देखा ये खुल के आया, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऊपरी बॉक्स है, इसको आप पकड़ के कहीं भी ले जाएंगे जिस कलर के ऊपर में, आप नीचे देखिए शेडिंग सारा चेंज होती जा रही है। ओके फ्रेंड्स, आप देखिएगा, आप देखिए जिस कलर पे मैं लेके जाता हूँ नीचे देखिए कलर चेंज होती जा रही है। अब आपको जो भी कलर पसंद हो, लाइक मुझे ये कलर मुझे लेना है, मान लीजिए ये ब्लू कलर लेते हुए कुछ, ठीक है, तो यदि मैं मुझे ये कलर पसंद है, मैं इस कलर पर जो ही क्लिक करूँगा तो आप ध्यान दो इस कलर की यहाँ पे नीचे दो कोडिंग आती है, पहला आर जी बी यानी रेड ग्रीन और ब्लू कलर, और साथ में यहाँ पे हेक्सा कोड। तो सिंपल मान लो आपकी मुझे अपने वेबसाइट में ये कलर यूज करना है, तो मैंने सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी किया
कॉपी करने के बाद में मैंने अपने कोडिंग में आया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी पेस्ट हो गया। ध्यान दीजिए हैश आगे होनी चाहिए और ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लेना है ये कलर, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इस कलर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जितना मुझे नीड हो, लाइट चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, कैसा चाहिए। तो अपने नीड के हिसाब से मैं इस कलर को ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इस कोडिंग के थ्रू। मान लीजिए मुझे ऑरेंज चाहिए, मैंने ये लिया और यहाँ पर मैंने ये कोड उठा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो इस कोड को भी उठा सकता हूँ, जिसको बोलते हैं RGB। ठीक है, तो मैं इसको उठाता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, मैं नीचे आके कंट्रोल वी से इसको अगेन पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। चलिए ब्राउजर में देखते हैं अगेन क्या क्या होता है। कंट्रोल आर से मैंने रिफ्रेश मारा, आप देखो कि ये देखो कलर, ये दोनों कलर चेंज हो गया। तो मैंने लिया कहाँ से, मैंने एडोब से इसको लिया, वैसे जो फोटोशॉप जो लोग जानते हैं फोटोशॉप से ले सकते हैं या कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो मेरा पर्सनली पसंदीदा है एडोब का। तो अब यहाँ से इस तरह से आप चाहे RGB कलर उठाना हो, ठीक है, चाहे RGB कलर लेना हो या हेक्सा कलर लेना हो, या कलर का नाम यदि आपको याद हो तो डायरेक्ट आप नाम भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि हम कलर को कैसे यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, अपने बैकग्राउंड देने के लिए या टेक्स्ट का कलर देने के लिए। जो इच्छा आप कलर यहाँ से बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। दूसरा, आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लिंक टैग को यूज करके किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने डेटाबेस में या अपने डॉक्यूमेंट में मैं लिंक कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। और अगेन कल मैं देखूंगा कि वेबसाइट के अंदर में किस तरीके से हम बनाते हैं फेविकॉन, या हम लिंक को एक दूसरे तरीके से अंदाज में लगाना सीखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आप मेरा फेसबुक का पेज जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करें। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वहाँ पे इनवाइट करें सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।